नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। रोड शो के दौरान एक शख्स ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। समाचार एजेंसी NI के अनुसार एक युवक उन्हें माला पहनाना चाहता था और वो प्रधानमंत्री मोदी को माला देने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके करीब चला गया। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों ने फौरन कार्रवाई की और उसे प्रधानमंत्री से दूर हटा दिया। बता दें कि 29वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के हुबली में हैं। यहां वो एक रोड शो कर रहे थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज गुरुवार 12 जनवरी को दिल्ली में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी सैनिकों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई। जनरल पांडे ने एक कार्यक्रम के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारी पूर्वी कमान के क्षेत्र में चीनी सैनिकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, हम कड़ी नजर रख रहे हैं। जनरल पांडे ने कहा कि चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन अभी भी अप्रत्याशित स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच 7 पेचीदा मुद्दों में से 5 पर बातचीत हुई है। जनरल पांडे ने कहा कि हमारी तैयारी बहुत हाई लेवल की है और हमारे पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार है। सेना प्रमुख ने सतर्क रहने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष विराम अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन पड़ोसी देशों द्वारा बुनियादी आतंकी ढांचे और आतंकवादी समूहों का समर्थन अभी भी जारी है। पिछले 5 वर्षों में सेना की कल्याणकारी योजनाओं का विवरण देते हुए जनरल पांडे ने कहा, सीमा सड़क संगठन ने पिछले 5 वर्षों में हमारी उत्तरी सीमाओं पर 2100 किलोमीटर लंबी सड़कों और 7450 मीटर के पुलों का निर्माण किया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में राजमार्ग पर कुछ काम चल रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 500 टैंक और अन्य सुरक्षा उपकरण तैनात किए गए हैं। 55,000 सैनिकों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में शांति लौट आई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद भारतीय सेना की कई इमारतों में मामूली दरारें देखने में आई। इसके चलते सैनिकों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को ये बात कही। वार्षिक सेना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि 25 से 28 बिल्डिंगों में मामूली दरारें आई हैं और सैनिकों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया है। जरूरत हुई तो उन्हें स्थायी तौर पर औली में शिफ्ट किया जाएगा। जोशीमठ में हालात का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम कल 13 जनवरी को आ रही है। वैज्ञानिकों के उपकरण आदि पहले ही पहुंच चुके हैं। इसका मुख्य काम होगा ये पता लगाना कि जोशीमठ क्यों धस रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोशीमठ पर उच्च स्तरीय बैठक की। अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि विस्थापितों की मदद में कोई कमी नहीं होने पाए, राहत और बचाव कार्य साथ साथ चले। केंद्र सरकार के निर्देश पर धामी बुधवार देर रात ही विस्थापितों के राहत कैंप में जोशीमठ जा पहुंचे, जहां उन्हें उजड़े लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। फिलहाल घर नहीं गिराए जाएंगे, अलबत्ता होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। धामी ने विस्थापितों को भरोसा दिया कि सरकार मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। जोशीमठ शहर के धसने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने अभी सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये माहौल ना बनाएं कि जोशीमठ खत्म हो रहा है। यहाँ बस 25% घरों में दरारें आई हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है। हमारे लोगों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, अगर डर का माहौल रहेगा तो पर्यटक नहीं आएंगे। अभी 4 महीने बाद चारधाम की यात्रा भी है, लोग धीरे धीरे संतुष्ट हो रहे हैं। NDTV से बात करते हुए इमारतों को तोड़ने के बाद मुआवजे को लेकर CM ने कहा कि हमने जो 1.5 लाख की फौरी राहत की घोषणा की है वो आज शाम तक लोगों के खातों में चली जाएगी। हम आगे और राहत राशि देंगे। हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दी है जो मुआवजे को लेकर बात कर रही है। इसके अलावा दरारें क्यों आई अभी उसका अध्ययन भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वैश्विक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी BJP के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों ने हाशिए के समुदायों, सरकार की आलोचना करने वालों, मीडिया और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 100 से ज़्यादा देशों में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि भारत सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमों व वित्तीय अनियमितताओं के निराधार आरोपों का इस्तेमाल करके अधिकार समूहों को बंद कर दिया। सरकार ने ऐसे कानूनों और नीतियों को अपनाया है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधी और राजद्रोह जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य अमन पसंद आलोचकों को गिरफ्तार करना जारी है, लेकिन वो अक्सर
हिंसा भड़काने वाले भाजपा समर्थकों या भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है। बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन ने मुसलमानों के घर और संपत्तियां तोड़ी हैं और यह कदम बिना कानूनी वैधता या प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। ऐसा विरोध प्रदर्शन या कथित अपराधों की सजा के तौर पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने रिपोर्ट में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में भाजपा सरकार ने 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 11 हिंदुओं की जल्द रिहाई को मंजूरी दे दी। भाजपा के सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से इसका जश्न मनाया, जिसकी व्यापक निंदा हुई। इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति, यहां तक कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट में भारत में ईसाइयों को परेशान करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानूनों का दुरुपयोग करने की भी बात कही है। दिल्ली के सूचना और प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। वसूली का यह नोटिस कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में दिया गया है। डीआईपी ने वसूली नोटिस में कहा है कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी होने के 10 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए पुराने आदेश के मुताबिक पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समय पर की जाएगी। बता दें, बीते साल दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल किए जाएं। कहा गया था कि राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करके दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साल 2016 में दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी की ओर से आम आदमी पार्टी को करीब 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अफसरों का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए और वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दें। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किस तरह दुरुपयोग कर रही है। डीआईपी का ये नोटिस इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सूचना मांगी है कि आखिर ये कौन से विज्ञापन हैं जिनके लिए वसूली नोटिस दिया गया है और इनमें गैर कानूनी क्या है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है, लेकिन बीजेपी अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि वसूली नोटिस के जरिए ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली से बाहर विज्ञापन दिए गए, लेकिन दिल्ली के अखबार बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अखबारों में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों के विज्ञापन छपते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों के विज्ञापन भी दिल्ली में छपते हैं। उन्होंने पूछा, क्या बीजेपी वहां के मुख्यमंत्रियों से विज्ञापन का पैसा वसूलेगी? भारत में आज 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत हो गई। इस ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी के बीच होगा। इसके उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान समिट में शामिल देशों से साथ मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था बनाने और एक दूसरे के विकास में सहयोग देने की अपील की। पीएम मोदी ने इस साल की चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा, दुनिया संकट से गुजर रही है। एक वैश्विक आवाज के तौर पर हमें भविष्य में बड़ी भूमिका निभानी है। हमारे देशों में 3/4 मानवता बसती है। दुनिया की बेहतरी के लिए हमारी भी समान आवाज होनी चाहिए। बता दें, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मालूम हो कि दुनिया को आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक है ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें अधिक विकसित देश हैं जैसे अमेरिका और यूरोप के देश, जापान आदि, और दूसरा है ग्लोबल साउथ, जिसमें कम विकसित देश हैं जैसे अफ्रीका के देश, एशिया आदि के देश। भारत में अभी हो रहा आयोजन दूसरे नंबर का है, यानी कम विकसित देशों का है, जिसे ग्लोबल साउथ समिट कहा गया है। ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि अपना और आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे बर्बाद किए और इसीलिए डीआईपी ने केजरीवाल को 163.62 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस भेजा है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि डीआईपी की ओर से नोटिस आने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता फिर से अराजकता का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पुराना साथी बताया। उन्होंने ये बयान ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिली हार के बाद से ही इस बात की चर्चा होती रही है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में वापस लौट सकते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते रहे हैं और इस वजह से सपा ने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें जहां ज्यादा सम्मान मिलता है वो वहां जाने के लिए आजाद हैं। बहरहाल अब एक बार फिर जब ओम प्रकाश राजभर के एनडीए के साथ आने की चर्चा तेज हुई है तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी के लिए कोई भी अछूत नहीं है और जो कोई भी बीजेपी के विचारों से सहमति रखता है पार्टी उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बड़ा समुद्र है और ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने साथी हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच जो रिपोर्ट आ रही है वो और पारा गिराने का दावा कर रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी उत्तर भारत के लोगों को ठंड की पीक से गुजरना बाकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मौसम विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की कि अगले सप्ताह मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर भारत में 14 से 19 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और 16 से 18 जनवरी के बीच इसके पीक पर रहने की संभावना है। नवदीप दहिया ने कहा कि मैंने करियर में अभी तक भविष्यवाणी मॉडल में कभी भी तापमान इतना कम नहीं देखा। मैदानी इलाकों में तापमान -4 डिग्री से 2 डिग्री तक। भारत और श्रीलंका के बीच आज दूसरा एक दिवसीय मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो रहा है। दूसरे वनडे मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अगर भारत आज हो रहे इस मैच में जीतता है तो 3 मैचों की सीरीज भारत अपने नाम कर लेगा। पहले मैच में भारत श्रीलंका को हरा चुका है, यानी भारत सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। इससे पहले हुई T20 सीरीज में भी भारत ने श्रीलंका को हराया था। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।